Good morning and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिनंदन. Thank God for this blessed new day. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस शुभ दिन के लिए. And every morning remember the mercies of God are new. और याद रखे प्रत्येक सुबह परमेश्वर का करुणा नया होता है. We are considering the beatitudes of Jesus. हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों को देख रहे हैं. Right now we are in this beatitude which says blessed are the merciful for they shall obtain mercy. और इस समय हम उस उपदेश को देख रहे हैं जो कहता है धन्य है वो मनुष्य जो दयावंत है क्योंकि वो दया को पाएगा. There are few words that expresses what this mercy means. और कुछ ऐसे शब्द है जो दर्शाती है ये दया का अर्थ क्या है. This compassion. और वो सहानुभूति को दिखाना. और सिंपति. सहानुभूति को दिखाना. लविंग कंसिडरेशन. और प्रेम से दया को दिखाना. एंड हेल्प. और मदद. इट इज नॉट एक्सटर्नल पिटी. और ये बाहरी रूप से सिर्फ शोक करना नहीं है. बट अ टोटल आइडेंटिफिकेशन विद द अदर पर्सन सिचुएशन. लेकिन एक व्यक्ति के परिस्थिति में अपने आप का पहचान करना. That's what Jesus did. और यही काम यीशु मसीह ने किया. The fact that he came down from heaven being God, he got into a man's body and lived among us. और जैसे कि हम जानते हैं यीशु मसीह स्वर्ग से आए एक मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य के बीच में रहा. It is a condescension that we don't understand. और ये एक ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पाते हैं. Because he was God. क्योंकि वो परमेश्वर थे. And holy. और पवित्र. He did not know any sin, any temptation, nothing. और वो कोई पाप को नहीं जानते थे कोई परीक्षा को नहीं जानते But then थे. Why did he become a man? So फिर परमेश्वर मनुष्य क्यों बन he गया? Was identifying himself with man's life. क्योंकि वो अपने पहचान को मनुष्य के जीवन से करना चाहते थे. You remember the time of him feeding the multitude with the 5 loaves and 2 fish? आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया. He told his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, Give them something to eat. कि इन लोगों को कुछ दो खाने के लिए. And the disciples were telling, Master, send them away. Let them go and buy themselves for food from the market. और चेले बोल रहे थे कि स्वामी इन्हें जाने दो अपने घर वो बाजार से कुछ खरीद के खाएंगे. Jesus refused. लेकिन यीशु ने मना किया. So before they reached the market places, some of them may faint. यीशु ने कहा कि हो सकता है कि उस मार्ग में ही कुछ लोग बेहोश हो जाएं. What was he doing? यीशु क्या कर रहे थे? He was stepping into the same situations as those people. वो उन लोगों के परिस्थिति में अपने आप को देख रहे थे. And this is precisely what many people don't even try to do. और ये एक ऐसा काम है जो बहुत लोग कोशिश भी नहीं करते हैं करने के लिए. All of us are so much concerned with our own self. हम सब लोग सिर्फ अपने स्वयं के विषय में ही सोचते रहते हैं. And our own feelings. और अपने खुद के भावनाओं के विषय में. Not that we are not concerned with anyone else's feeling. और इसलिए नहीं कि हम दूसरे के भावनाओं को समझते नहीं हैं. But लेकिन our first instinct is we are not able. हमारा पहला स्वाभाविक जो बात है वो यही है कि हम नहीं कर सकते. Merciful are those who are so affected by others' suffering. और दयावंत वो लोग हैं जो दूसरे लोगों के परिस्थिति से प्रभावित होते हैं. That they go out of their way to make such sufferings less. कि वो अपने आप से बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका दुख कम हो जाए. How? कैसे? By bringing them to Jesus Christ for deliverance. उनको यीशु मसीह के पास लाकर उनको छुटकारा दिलाने से. This they do for the glory of God. और ये काम करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए. And if we try to achieve this, it would make a lot of difference. और अगर हम इसको हासिल करने कोशिश करेंगे तो बहुत फर्क पैदा होगा. Number one. पहली बात. It would save us from being kind in the wrong way. और ये हमें बचाएगा
कि हम गलत तरीके से हम दया को दिखाएं. For example, उदाहरण के लिए, in the Gospel according to Saint Luke chapter 10 verses 38 to 42, और लूका उसका 10वां अध्याय 38 से 42 पद में, we read about Martha and Mary. हम मार्था और मरियम के विषय में पढ़ते हैं. Jesus arrived. यीशु मसीह उनके घर में आए. And Martha wanted to do so much for Jesus. और मार्था यीशु के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी. And so she was worried about doing this, doing that, and preparing the food and making the place ready and all kinds of things. So वो चिंता कर रही थी और घर में सब तैयार कर रही थी और खाना पका रही थी और सब कुछ देख रही थी. In other words, Martha wanted to be kind. और दूसरे शब्दों में मार्था दया दिखाना चाहती थी. But what was Jesus' greatest need at this particular time of his life? लेकिन इस समय उस यीशु मसीह के जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी? Jesus told Martha. यीशु ने मार्था से कहा, मार्था, you are so much worried about doing so many things. तुम बहुत से बातों के लिए चिंता करती हो. Only one thing is needed. सिर्फ एक बात की आवश्यकता है. That will meet my need. और उससे मेरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी. It would make forgiveness and tolerance much easier. और इससे सहानुभूति और जो क्षमा है वो और भी आसान हो जाएगा. Is it not what exactly God did? और यही बात यीशु मसीह ने किया. To us, परमेश्वर ने हमको किया. At guilty sinners, हम जो दोषी पापी थे. To us, wretched sinners, और हम जो बुरे पापी थे. Dying and exposed to eternal woe, और हम जो मृत्यु के मार्ग पर थे और अनंत काल के मृत्यु के मार्ग पर थे. God has shown mercy. परमेश्वर ने अपने दया को दिखाया. How? कैसे? By giving his son to die for us. परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए मरने के लिए. By expressing his willingness to forgive us and save us. और परमेश्वर ने इस बात को दिखाया कि वो तैयार है हमें क्षमा करने के लिए. By sending his spirit to renew and sanctify our hearts. और अपने आत्मा को भेजा कि हमारे हृदय को शुद्ध कर दे और ताजा कर दे. And so remember this. So इस बात को याद रखें. Each day, प्रतिदिन, we partake of his mercy. हम परमेश्वर के करुणा के हिस्सेदार हैं. Because the word of God says. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है. It is because of the mercy of God that we are not yet consumed. ये परमेश्वर की दया है कि हम नाश नहीं हुए हैं. That's why we are alive. और इसलिए आज हम जीवित हैं. It is his mercy. ये परमेश्वर की करुणा है. Who brought you into this new day? जो आपको इस नए दिन में प्रवेश कराया. Had it not been his mercy, अगर परमेश्वर का करुणा नहीं होता, we would not have seen another sunrise. तो फिर हम एक नया दिन नहीं देख पाते. And throughout this day, और आज के पूरे दिन में, let his mercy follow us. परमेश्वर का करुणा हमारे पीछे चलने पाए. Then we will see another sunset. तब हम सूर्य ढलने को देखने पाएंगे. This is God's wonderful mercy. यही परमेश्वर का करुणा है. Stepping into the situation of others who are suffering. और दूसरे लोगों के परिस्थिति में शामिल होना जो दुख उठा रहे हैं. Let it be the same spirit dwelling in us. और यही आत्मा हमारे अंदर वास करने पाए. Then the world will know. और तब संसार जानने पाएगी. That we are truly followers of Christ. कि हम वास्तव में परमेश्वर के चेले हैं. Oh God, the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा. Grant to us your grace. अपने अनुग्रह को हमें प्रदान करें. May we live your life in this world. हम आपके जीवन को इस संसार में जीने पाए. So that we may show your spirit of a kindness and sympathy to others. ताकि हम आपके आत्मा को जो कि करुणा का है, दया का है, हम दूसरों को दिखाने. Thank you for hearing us. धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए. Because we ask it in Jesus' name. क्योंकि इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. God bless you, my friend. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. And He means the best for our life. और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है. This is a great day. ये एक अच्छा दिन है. Enjoy your day. अपने दिन का आनंद उठाएं. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Amen.
Amen.